बढ़िया से देखो समझो। आसान सा चीज, पहले कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के बाद नीचे में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहला हम वो सवाल करवा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी का टोटल शेयर ले रहा है, तब कैलकुलेशन में कोई दमी नहीं रहेगा क्योंकि सारा कुछ आप ले लिए, सब कुछ आपका हो गया। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2015, ऑन विच डेट एच लिमिटेड, इसके बाद अंडरलाइन करो, एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एच लिमिटेड मतलब जो होल्डिंग कंपनी है वो एस लिमिटेड का सारा शेयर ले लिया। अब जरा देखिए, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, एच लिमिटेड का 5 लाख, एस लिमिटेड का 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है कितना कितना है, 1 लाख और 65,000, और करंट लाइबिलिटी जो है वो एच लिमिटेड का 3.5 लाख, एस लिमिटेड का 50,000। देखो पहला सवाल बना रहे हो, क्या क्या देखना पड़ता है, बातों को बहुत बढ़िया से समझेंगे। देखो अगर आप एच लिमिटेड हो और एस लिमिटेड का पूरा शेयर खरीद रहे हो तो हम मैक्सिमम कितना उसको पे करेंगे, 1 लाख का शेयर है 1 लाख पे करेंगे, एंड रिजर्व कितना है 65,000, रिजर्व भी तो शेयर होल्डर का होता है, यानी हम मैक्सिमम 1,65,000 पे करेंगे, 1,65,000। अब आइए बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट साइड में आप देख रहे हैं एच लिमिटेड ने कितना पे किया है, 2 लाख। इन्वेस्टमेंट शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट, अब आप खुद बोलो ना, 1,65,000 के जगह आपने दिया कितना, तो ओरली निकल गया, क्या निकल गया ओरली, गुडविल। यानी पहला स्टेप 100%, मतलब कंट्रोल वाला बात 100%। दूसरा प्री एंड पोस्ट, तो यहां पर हम लोग 31 मार्च को एक्वायर किए हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन विच डेट, यानी 31 मार्च को ही आपने सारा शेयर ले लिया तो सारा प्री में चला गया, ये 65,000 बिक उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 1:0 हो रहा है। तो तीसरा स्टेप हम क्या बता रहे थे कि पहला कंट्रोल आता है, दूसरा कैपिटल आता है, तीसरा एकदम से सीधा गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला बात, जहां पर हम लोग ओरली निकाल लिए, गुडविल निकल गया, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोल रहा है बनाने के लिए, आप खुद देखो यहां पर कि बैलेंस शीट का भी टोटल कितना होगा, अभी आप तुरंत आप निकाल सकते हो, कितना निकला था गुडविल 35,000, ये दोनों एसेट जुटेगा 7,50,000 और 2,15,000, 7 और 2 9,65,000 और 35,000 गुडविल, मतलब फिक्स एसेट्स में अभी आ जाएगा ना टेंजेबल इनटेंजेबल, तो 10 लाख, तो बैलेंस शीट का टोटल हो गया 10 लाख। आप बोलेंगे सर उधर में जरा 10 लाख बताइए कैसे होगा, होगा ना, शेयर कैपिटल खाली एच लिमिटेड का लेंगे 5 लाख, रिजर्व 1 लाख पूरा 6 लाख, ठीक है, और 3.5 और 50 10 लाख, कहां कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अरे होल्डिंग कंपनी ओरली बना ली है आप पहला सवाल को। आप बोलेंगे सर दूसरा, मैंने क्या बोला था अभी शुरुआत में, आपके पास लोग आएंगे दौड़कर सीखने के लिए, आपके फ्रेंड की होल्डिंग कंपनी सिखा दो ना, चलिए कोई हर्ज का बात नहीं, यहां पर हम लोग करते हैं। पहला क्या लिखवाए थे निकालते जाइए, आप स्टेप्स निकालो जल्दी से, पहला स्टेप क्या था, रेशियो ऑफ शेयर, डिग्री ऑफ एच लिमिटेड और हंड्रेड परसेंट शेयर ले लिया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। दूसरा प्री क्या है बोलिए, रिजर्व एंड कितना है बोलो, सारा 65,000 इसी को मिल जाएगा, इसको कुछ नहीं मिला, पूरा शेयर ले लिया तो इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा,
कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखवाए थे बताइए, कितना है एच पर बैलेंस शीट, कितना मिली है आप, दिया हुआ है एसेट साइड में एच लिमिटेड लिया तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ ना, तो कहां रहेगा एसेट साइड में रहेगा, कितने में लिया वहां तो लिख दिया है, एच लिमिटेड का शेयर 2 लाख में लिया है, लेस क्या बताए थे करने के लिए बोलो, कितना है, तो फेस वैल्यू देखने के लिए आपको कहां देखना पड़ेगा, एच लिमिटेड की एस लिमिटेड में देखेंगे, कितना दिया हुआ है 1 लाख, अगर जितना भी बोलता 50,000 लिया 60,000 लिया तो उसी हिसाब से होता, अभी पूरा 1 लाख रुपया हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है इसीलिए कैपिटल प्रॉफिट, यहां पर लॉस होता तो ये यहां पर इसके साथ प्लस हो जाता, कैपिटल प्रॉफिट क्या लेते हैं हम लोग हमेशा प्री, आप बोलेंगे पोस्ट कहां लेते हैं, सब बताएंगे धीरे धीरे, प्री कितना है बोलिए, प्लस में आ गया तो गुडविल हो गया, अरे कैलकुलेशन तो दिखाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट आप तो ओरली जैसे हम और आप सोच साच के बना दिए ऐसे तो नहीं बना सकते हैं, बताना पड़ेगा ना 65,000 ये हुआ 35,000 कैसे आया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ क्या एच लिमिटेड था विथ इट्स सब्सिडरीज, बताओ पहला बताओ, इक्विटी एंड क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर पहला क्या होगा बोलिए, शेयर कैपिटल कितना बताइए, किसका सिर्फ किसका लेंगे हम लोग, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, किसका लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, कितना है बोलो, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है ना, करंट लायबिलिटीज क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड दोनों का जुटेगा कितना कितना है बोलिए, 3 लाख, दस लाख रुपया टोटल हो गया, असेट्स क्या लिखते हैं हम लोग, नन फिर टेंजेबल और टेंजेबल कितना है दोनों को जोड़िए, 9,65,000 और इनटेंजेबल करंट असेट्स, इस सम्स में नहीं है। अब आप एक बात बताओ, इसको तो 1 लिखना ही पड़ेगा,
रिजर्व चलो एक ही है छोड़ दो, नहीं लिखेंगे, बट ये आपने जो एड किया इसके लिए लिखना पड़ेगा, ये 3 और ये 4 दिखा दीजिएगा।